हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनके बारे में, यानी कि उनकी थिंकिंग हम देख लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो क्या कुछ सोच रहे हैं। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है या ब्रेसलेट लेना है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। आपको जो भी ब्रेसलेट मिलेगा वो एक्टिवेटेड ब्रेसलेट मिलेगा, यानी कि आपके लिए स्पेशल एक्टिवेट करके दिया जाएगा, ठीक है। हर एक पर्सन के लिए स्पेशल ब्रेसलेट होता है जो कि स्पेशल एक्टिवेट करके दिया जाता है। तो अगर आप ये जो ब्रेसलेट है वो एक्टिवेटेड लेना चाहते हैं या फिर ये क्रिस्टल ट्री जो है आप लेना चाहते हैं एक्टिवेटेड, तो आप ले सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, ठीक है। वहां पे आप बुकिंग करवाइए, आपको मिल जाएगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज मुझे गाइड करें। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। देखते हैं आपके जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे इनकी थिंकिंग मैंने निकाली है, थोड़ी सी कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी। मैं आपकी भी थिंकिंग जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में। ओके देखते हैं क्या सोच रहे हो आप। ओके बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी। सो अगर आप ये फीमेल पर्सन हो जो कि ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप जो है ना, आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मैच्योर हो, बहुत खूबसूरत हो और मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत अच्छी है। आप जब से, आप ध्यान में देना कि जब से आपके घर वाले लोग भी बोलते हो कि यार तुम जब से पैदा हुई हो तब से हमारी लाइफ में ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है, ठीक। तो ये मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग आपको लकी मानते हैं। और अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो जो कि फीमेल पर्सन है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, यानी कि ये जो आपकी पार्टनर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ना खूबसूरत है और वो लकी है आपके लिए, ठीक। आपको ऐसा फील होता है, तो मुझे कहीं ना कहीं जो है ना वो लकी वाला फीलिंग मुझे दिख रहा है। काफी खूबसूरती के साथ साथ हर एक मैच्योरिटी, हर एक जो एक होता है ना कि हाँ इंसान में हर एक गुण होता है, तो वो दिख रहा है मुझे। चलिए देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। अभी फिलहाल मैं आपकी थिंकिंग अगर देखूं ना, तो आप अभी जो है एकदम से अपने रिलेशनशिप को लेकर के मुझे एट ऑफ कप्स और फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हो, यानी कि आप और आपके पार्टनर, देखो आप अपने पार्टनर की बातों को लेकर के चिंतित हो। आप अपने पार्टनर की बातों से पूरे तरीके से इफेक्टिव हो गए हो, बहुत बहुत ज्यादा। और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, बहुत ही ज्यादा। आप बहुत परेशान दिख रहे हो, आप अपनी लाइफ में होपलेस हो गए हो। आपका ना जीने का मन कर रहा है, ना खाने का, ना पीने का, कुछ भी नहीं। आपको भूख भी कम लगती होगी, थोड़ा हेल्थ इशू भी है आपका। हेल्थ, आपका वेट जो है ना यहाँ पे बहुत कम हो गया है पहले के अनुसार से। आपने अपने हेल्थ पे ध्यान देना बहुत कम जो है ना, यहाँ पे आप हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अभी फिलहाल काफी उदास हो, काफी परेशान हो, काफी ज्यादा डीप लेवल की थिंकिंग कर रहे हो आप। और आपको लगता है कि ये पर्सन शायद नहीं आएगा,
क्योंकि आपके अंदर की जो होप है वो कहीं ना कहीं जो है ना वो खत्म होती हुई सी दिख रही है। आपके अंदर की होप बहुत ज्यादा कम हो गई है, बहुत ही ज्यादा। आप एकदम से जो है ना एकदम से उदास हो गए हो कि क्या करूं मैं, लाइफ मेरी एकदम से स्टक हो गई है, ऐसे वाला जो है ना आप यहाँ पे आपका बन चुका है सीन। ठीक, यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स का कार्ड जो कि बता रहा है कि हाँ आप बात तो करना चाहते हो, शुरुआत तो करना चाहते हो, प्रपोजल चाहते हो इनसे, और वेट कर रहे हो इनके कि वापस आ जाएंगे, हमारा रिलेशनशिप सुधर जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी तक आपके पार्टनर ने आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया, आपने हजार मैसेज किए, हजार कॉल किए, लेकिन आपको उनके तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ते गए हैं, धीरे 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 करके बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे ये जो पर्सन है ना एकदम से जो एक होता है ना कि फील करवाना है ना, तो वो इस पर्सन ने किया हुआ है। ये जो पर्सन है मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपकी रीडिंग के अनुसार से। देखो आप जो है ना अपने पार्टनर से हो सकता है कि 6 महीने से दूर हो गए, कुछ लोग 5 महीने से, कुछ लोग 8 महीने से दूर हो सकते हैं, कुछ लोग 2 महीने से भी दूर हो सकते हैं। ठीक, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसे कार्ड्स आए हैं आपके। चलो बात करते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, देखते हैं कार्ड्स। नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड है मेरे पास टू ऑफ कॉइन्स। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है ना ये एकदम से एकदम बहुत ईगो में है, और ये पर्सन सोच रहे हैं आप दोनों के बीच जो भी हुआ है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, या आपने कुछ उल्टा बोला, इन्होंने कुछ उल्टा बोला, बहसबाजी जो हुई क्यों हुई, उसमें सही सिर्फ मैं हूं, इनकी थिंकिंग ऐसी है सिर्फ मैं ही सही हूं, वो क्या है क्या नहीं है एकदम से ये पर्सन समझने को तैयार नहीं है। ये पर्सन बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ही शुरुआत में रिलेशनशिप अच्छा रखा होगा, आपको गिफ्ट देना, आपको खुश करना, आपको कैसे खुश करना है पूरी तरीके से इस पर्सन की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि इस पर्सन को पूरी तरीके से पता था कि क्या कैसे आप खुश होगे, कैसे क्या होगा, कैसे सारी चीजें होंगी एकदम से पूरी तरीके से। ये पर्सन सब चीज सोचते हुए भी दिख रहे हैं। मुझे ये पर्सन बहुत बहुत ज्यादा उदास दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि रिलेशनशिप जो होता है ना कि एकदम यहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं है, कंट्रोल नहीं है। ये पर्सन की थिंकिंग के अनुसार से कि इनको अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं है और आप इनको ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। मेरे अनुसार से यहाँ पे जो कार्ड दिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि आप इनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो जो कि इनको पसंद नहीं है। हो सकता है कि आपको इस पर्सन के ऊपर जो है ना उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं होगा, इसके वजह से आप मतलब कि बहुत सारी चीजें जैसे कि इनका कॉल चेक करना, ऑनलाइन थे तो क्यों थे, इन छोटी छोटी बातों पे जाना, लड़ाई झगड़े होना, ये कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते के बीच में ये दूरियां बढ़ा रही थी और आपको ख्याल नहीं आया। बट ये पर्सन का है ऐसा, इस पर्सन का है ऐसा कि हाँ वो मेरे ऊपर नजर रखती है, मेरे ऊपर शक करती है या करता है। तो कहीं ना कहीं जो है ना ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। अभी इस पर्सन ने डिसीजन नहीं लिया है, डिसीजन नहीं लिया है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, इनके लिए क्या बेटर हो सकता है। क्या कुछ इनकी एनर्जी मुझे जो है ना यहाँ पे दिख रही है कि ये जो पर्सन है एकदम से
एकदम से तकलीफ वाले एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना नाइन ऑफ कप्स के एनर्जी में है, यानी कि आपके जो पार्टनर है नाइन ऑफ कप्स के एनर्जी में, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर ईगो में भी बहुत है, और ये पर्सन का ऐसा मानना है, ऐसा सोच रहे हैं कि यार मुझे नहीं झुकना चाहिए, मुझे मैं झुक करके अपना ओहदा खराब करूंगा। इनकी ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ऐसा दिख रहा है क्लियरली कि हाँ ये पर्सन ऐसी थिंकिंग रखते हैं कि जैसे कि ये पर्सन अगर माफी मांग लेंगे ना आपसे तो इनको जैसे कि होता है ना कि छोटे हो जाएंगे, क्योंकि इनका ईगो है ना, इनका ईगो बहुत ज्यादा है, इनका ईगो कम नहीं होना चाहिए। मेन यहाँ पे ये इनका ईगो कम हो गया ना तो समझो कि वो इनका राजपाट छीन जाएगा है, वैसे वाला है एनर्जी इनका, ठीक है। तो ये पर्सन सोचते हुए तो दिख रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरह निगेटिव नहीं है, ये पर्सन पॉजिटिव है, यानी कि पास्ट को भूल जाने को ये पर्सन तैयार है, या जो चीजें आप दोनों के बीच में हो चुकी हैं उसको भूल जाने के लिए ये पर्सन तैयार मुझे दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन पुरानी बातों को, पुरानी यादों को भूल जाएंगे और भूल करके यहाँ पे ये रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहेंगे, ठीक। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पास्ट को भूल करके आगे बढ़ना इनका है, यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि ये पास्ट को भूल करके यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट की जो यादें हैं उसकी वजह से इनका फ्यूचर खराब हो सकता है। इसकी वजह से जो है ना ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं पास्ट को ही भूल जाऊं, छोड़ो गलती मेरे से हुई या उससे हुई, बट एक गलती को भुला देने से अगर पूरा जिंदगी बन जाता है तो क्यों ना करे, है ना। तो ये पर्सन की थिंकिंग मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है, ठीक। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर है ना एकदम से यहाँ पे कंफ्यूजन में है, इनको जस्टिस करना है, इनको बैलेंस करना है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है। मेन इश्यू यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ट्रस्ट का, और थोड़ा सा ये पर्सन मुझे ईगो में तो दिख ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ मैच्योर भी नहीं है उतने ज्यादा, जैसे होता है ना कि हाँ चलो गलतियां माफ कर दो, बड़ा जो होता है ना वो गलती माफ कर देता है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है उतना ज्यादा, है ना। तो वो मुझे दिख रहा है इस पर्सन का, इस पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली बता रही है, क्लियरली दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो, मैं आपको कह सकती हूँ कि आप जो हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें और लाइफ में आगे बढ़ें। चलिए मैं देख लेती हूँ, कुछ कार्ड्स निकालती हूँ, देखती हूँ कि ये पर्सन क्या करेंगे आगे, आगे का क्या है, फ्यूचर का क्या है, और मैंने फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे साथ होंगे कि नहीं होंगे, मैंने वीडियो बना करके दिया था आपको, रीडिंग करके दिया था उस पर, शायद आप लोगों ने नहीं देखा, जिन्होंने नहीं देखा इसके पहले वाली वीडियो आप चेक करें और उसके बाद रीडिंग देखें, ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये पर्सन आने वाले हैं या नहीं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, यहां पे है टेन ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। सो यहाँ की एनर्जी मुझे क्लियर बता रही है कि आपके पार्टनर और आपके बीच, मुझे देखो फ्यूचर में आप दोनों का दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में, खैर यहाँ पे वो चीजें होंगी, यानी कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है,
प्रॉब्लम्स का मुझे दिख रहा है, प्रॉब्लम्स आएंगी और प्रॉब्लम्स आने की वजह से जो है ना आपके पार्टनर का काफी ज्यादा, मतलब कि मैं डर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर का, मैं डर देख पा रही हूँ इस रिश्ते में जितना डर है, जितना खौफ है ना, क्लियरली दिख रहा है मुझे। ये पर्सन बहुत बहुत हद तक एक जो होता है ना कि नाइन ऑफ वैंड्स के एनर्जी में, यानी कि कहीं हद तक जो है ना ये आपके लिए ही स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए ही ये करना चाहते हैं बहुत हद तक। ठीक, यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, देखो आपके पार्टनर आपके कॉल का, आपके मैसेज का ये इंतजार करेंगे फ्यूचर में भी। यानी कि ये पर्सन अगर रूठ जाए और आप रूठ जाओ तो ये पर्सन पहले नहीं मनाने आएंगे, आपको ही मनाना पड़ेगा, आपको ही कॉल करना पड़ेगा, आपको ही मैसेज करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है मुझे, तब जाके यहाँ पे रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में द लवर्स की एनर्जी है, यानी कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करेंगे फ्यूचर में भी, फ्यूचर में भी दिख रहा है कि कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहेगा, स्ट्रांग सा कनेक्शन रहेगा। लेकिन वही है ना कि अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आया तो, क्योंकि यहाँ पे तीसरे की आने की भी आशंका दिख रही है, या तो फैमिली है या फिर कोई और है, बट है। ठीक है, सो मैं देख पा रही हूँ फ्यूचर में भी कि फ्यूचर में आपका जाएगा आगे, आगे का मुझे नजर आ रहा है। लेकिन वही है कि आपको मैनिफेस्टेशन वगैरह करनी होगी जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, जिसकी वजह से आपका और इनका जो कनेक्शन है वो बनेगा। ठीक, सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच जो रिलेशनशिप है ना, इसमें इम्प्रूवमेंट आती हुई मुझे नजर आ रही है। यानी कि फ्यूचर में आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा एहसास होगा, तो इनको होगा कि हाँ इस पर्सन ने जस्टिस नहीं किया है आपको, आपके साथ बिल्कुल भी नहीं किया है, और इस पर्सन की अकल ठिकाने आएगी और ये तभी पर्सन जो है ना आपके तरफ ये आएंगे, यानी कि आपके तरफ ये एक्शन लेने, डिसीजन लेने, आपको बताने अपने दिल की बातें, अपने दिल की फीलिंग्स, है ना, ये पर्सन आते हुए मुझे दिख रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी के अनुसार से दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन दिख रहा है जो कि सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन है, और सोलमेट कनेक्शन होने का मतलब यही है कि ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोलमेट कनेक्शन है तो हमारी शादी तो होगी होगी, कोई जरूरी नहीं है सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कोई जरूरी नहीं है कि शादी ही होगी उसके साथ, वो सोच के मत चलना। ठीक है, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपका जो रिलेशन है ये आगे तक जाएगा, सक्सेसफुल होएगा। ठीक, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ आप सोलमेट हो तो आपकी इन्हीं से होगी, या जितने भी लोग हैं एक से ज्यादा सोलमेट होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक, सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।